बाबा सही से पानी डाल दिया है ना, मैं अंदर जाकर बेहोश होना नहीं चाहता। पागल के बच्चे, तुम कभी नहीं सुधरोगे। माँ आहिस्ता चलो, मैं गिर जाऊंगी। बेटा इससे पहले कि तुम्हारे बाबा को कुछ हो जाए हमें जल्दी से जाना होगा। कौवी भैया जल्दी से दरवाज़ा खोलो, बंटी तुम्हारे साथ अनाज ढूंढने गया था, अभी तक घर नहीं आया। अच्छा, मैं तो बारिश की वजह से जल्दी घर आ गया था, वो दरिया की तरफ चला गया था, वहाँ जाकर देखो। माँ वो देखो, दरिया में एक पंख पड़ा है, कहीं ये बाबा का तो नहीं है। हाँ बेटा, ये तो तुम्हारे बाबा का पंख है। बेटा तुम्हारे पापा दरिया में बह गए हैं, अब मैं ही तुम दोनों का ख्याल रखूंगी। रानी बंटी का सुनकर बहुत दुख हुआ। अगर मैं कभी दाना लेने गया तो तुम्हारे बच्चों के लिए भी लाऊंगा। महाराज पास वाले जंगल से खबर आई है कि बंटी दरिया में बह गया है। जंगल का महाराजा होने की वजह से तुम लोगों की देखभाल मेरी जिम्मेदारी है। ये लो पैसों की पोटली, इससे अपने बच्चों की परवरिश करना। कवि तुम मर क्यों नहीं जाते? क्या मेरा मतलब है कि बंटी की तरह मरने का डोंग क्यों नहीं कर लेते, फिर महाराज आकर हमें भी पैसों की पोटली देगा। बिट्टू अच्छे से स्कूल में पढ़कर बड़ा आदमी बन जाएगा। बिट्टू और बड़ा आदमी जो हर वक्त मुर्गियों के पीछे भागता रहता है। नाच मेरी बुलबुल, पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा। बाबा बाबा, आप स्कूल में पोइम ऐसे पढ़ती थी, मैं तोता काले रंग का हूँ दिखता। पागल का बच्चा, ये बड़ा आदमी बनेगा। अच्छा आप जल्दी से अपना पंख निकाल कर मुझे दीजिए और 3-4 दिन तक घर मत आइए। महाराज महाराज, आप जल्दी से मेरे साथ चले, माँ ने आपको बाबा का पंख दिखाना है। क्या माँ ने ज्यादा बोलने से मना किया है, आप जल्दी से मेरे साथ चलिए और अपने साथ पैसों की पोटली भी उठाइए। बिट्टू के पापा इस दुनिया में नहीं रहे, दरिया के पास उसका पंख पड़ा था, अब हम लोग क्या करेंगे। कौवी बहुत मेहनती था, सारा दिन खेतों में काम करता था। अरे माँ आप झूठ क्यों बोल रही हो, बाबा तो सारा दिन टॉयलेट में गुजारते हैं। आप बुरा मत मानिए, मेरा बेटा थोड़ा सा पागल है। लूसी बहन, ये लो पैसों की पोटली, इससे बिट्टू की परवरिश करना। सारा दिन जंगल में बैठकर इतना खा लिया है कि अब पेट में दर्द होने लगा है, मैं टॉयलेट से होकर आता हूँ। अभी कौन है टॉयलेट में, जल्दी से बाहर निकलो। भूत भूत भगो।
पिंकी मौसी इस उम्र में भी सठिया गई है। इससे पहले कि कोई और मुझे देख ले, मैं जल्दी से अपना काम पूरा करता हूँ। अच्छा, तो ये भूत नहीं बल्कि कौवी है। मैं जल्दी से जाकर महाराज को बताकर आती हूँ। महाराज, कौवी ने आपको बेवकूफ बनाया है। वो मरा नहीं है बल्कि जंगल में घूम रहा है। अभी वो मेरे सामने से टॉयलेट गया है। अच्छा, अगर ऐसा है तो मैं उन दोनों को अच्छा सबक सिखाऊंगा। मैं कब तक बारिश में भीगता रहूंगा? इससे अच्छा है कि घर चला जाऊं। तुम यहाँ क्यों आई हो? मैंने तुम्हें मना किया था कि 2-3 दिन तक नहीं आना। मैं जंगल में घूम घूम कर थक गया था। अब मुझे थोड़ा सा आराम करने दो। अरे महाराज, आप इस वक्त? अरे वाह, ये मरा हुआ पंछी तो यहाँ आराम कर रहा है। अब मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि आराम कैसे करते हैं। बचाओ बचाओ, महाराज हमें माफ कर दो, हम फिर ऐसा नहीं करेंगे। मैं खेतों में काम करूंगा और पैसे कमाऊंगा, फिर किसी को भी धोखा नहीं दूंगा। ठीक है, अब मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। अगर फिर से तुमने ऐसा कुछ किया तो फिर मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा। कौवी, जल्दी जल्दी से हाथ चलाओ, अभी और भी पौधे उगाने हैं। हाँ बाबा, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, नहीं तो मैं महाराजों को बुला कर लाता हूँ। पता नहीं मैंने ऐसी क्या गलती की थी कि ऊपर वाले ने मुझे ये पागल दिया है।